जंगल में घुसे शिकारियों ने वन कर्मियों को पीट दिया। जी हाँ, ये खबर पीलीभीत के टाइगर रिजर्व से आई है, जहां पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में शिकारी घुस गए और उन्होंने दो चीतल का शिकार कर लिया। वन विभाग को जब ये सूचना मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उस वक्त शिकारियों ने वन कर्मियों की राइफलें छीन ली और दो वन वॉचरों को बुरी तरह से पीटा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वनकर्मी जहां हाथियों के साथ जंगल में कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस की कई टीमें भी शिकारियों की तलाश में जुट गई हैं। ये मामला माला रेंज के जंगल में है, जहां शिकारियों ने घुसकर दो चीतलों को बंदूक से मार दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वनकर्मी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर दो बाइकों पर दो लोग गाड़ी स्टार्ट करके खड़े थे। वनकर्मियों को देखते ही वह फरार हो गए, जबकि कुछ शिकारी वहीं जंगल में छूट गए। इसके बाद वनकर्मियों ने बाइकों का पीछा किया और कुछ वनकर्मी जंगल के अंदर अन्य शिकारियों को तलाश करने लगे। शिकारियों की तलाश करते करते सुबह हो गई। इस दौरान इसी जंगल में दो चीतल के शव भी बरामद किए गए। थोड़ी देर बाद शिकारी भी जंगल में दिख गए। बताया जा रहा है कि एक शिकारी ने वन वॉचर अनोखेलाल और उमाशंकर से एक राइफल छीन ली और उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद जंगल में शिकारी लापता हो गए। मामले में वन कर्मियों की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि पूरी रात उन्होंने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना नहीं दी। सुबह 9 बजे जब पीलीभीत के डीएफओ को ये जानकारी मिली तो डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएफओ ने एसपी को सूचना दी। इसके बाद कई टीमें लगाई गई हैं, जिसमें पुलिस की टीम भी शामिल है और वन विभाग की टीम भी शामिल है, और शिकारियों की तलाश की जा रही है। हालांकि दोनों घायल वन वॉचरों का मेडिकल कराया गया है, उन्हें उपचार दिया गया है। एक कलाब में कुछ शिकारियों के जंगल में घुसने की सूचना आई थी, जिसके बाद स्टाफ द्वारा जंगल में शिकारियों को ढूंढा भी गया और अच्छा कुम्बिंग सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत पता लगा कि दो नर चीतल का शिकार उनके द्वारा किया गया था और कुछ शिकारी जंगल में छुपे भी हुए थे, जिनमें से एक शिकारी अंधेरे में मौके का फायदा उठा करके भागने का प्रयास किया और सुबह करीब 6 बजे के आसपास उनके द्वारा एक जो 312 बोर की बंदूक होती है, एक स्टाफ से छीन के भाग गया। चौथा उनके द्वारा, चूँकि तीन स्टाफ थे तो बंदूक के पीछे भाग से हमला किया गया है, उनका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया रहा है। क्या पूरा मामला है? ये कल रात की घटना है। फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि फॉरेस्ट में कुछ फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो इन्होंने दो टीमें संगठित की थी और उस समय तलाशी इन्होंने शुरू की थी। तो उसी तलाशी के दौरान उनमें से कुछ लोग इनके हाथ से राइफल छीन के भाग गए थे, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। सुबह से, रात से ही प्रयास किया जा रहा था इनके द्वारा। सुबह से पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई हैं। फॉरेंसिक टीम आ गई है जो वहाँ पर फोटोग्राफी कर रही है, बाकी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा फॉरेस्ट एवं पुलिस की टीम बनाई गई है जो इस पर लगी है और जल्द ही हम उसको पकड़ लेंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पीलीभीत से ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट।